नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे यूएई एंड पाकिस्तान। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान मेन टॉपिक रहेगा अपना। क्यों पाकिस्तान अरब देशों से दूर होता जा रहा है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण हो सकता है। हालांकि यूएई ने आपको पता है 13 देशों को वीजा के लिए बैन करके रखा है काफी टाइम से। ये नहीं कि 10-15 दिन के लिए गया, काफी टाइम से बैन करके रखा है, जिसमें पाकिस्तान का नाम है। जी हाँ, ये ऐसे क्या कारण है कि इमरान खान भाई, आप पाकिस्तानी वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा नेगेटिव नहीं सोचें, जो बातें हैं वो सबूत के साथ मैं बात करूंगा, हवा वाई बातें नहीं करेंगे। इमरान खान क्या छोटा बच्चा है, क्योंकि मैं राजस्थानी में आपको कहावत सुनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए हिंदी में बोलना चाहूंगा कि इमरान खान वो छोटा बच्चा है जो अपनी जिद मनवाने के लिए रूठ जाता है। लेकिन बच्चे कई बार तो अपने माँ बाप उनको मनाने के लिए कुछ उनको दे देते हैं, कई बार बच्चे कुछ ऐसी जिद पकड़ लेते हैं कि माँ बाप उनकी पूरी नहीं कर सकते। वो जैसे चांद को तोड़ के लाओ, अब चांद को कहां से दे दे, बच्चा तो फिर रूठा हुआ ही घूमेगा ना, वो उस चक्कर में माँ बाप से बोलना वगैरह, इस तरह का इमरान खान की स्थिति हो चुकी है। और पूरे हम प्रकाश डालेंगे कि इमरान खान पहले पाकिस्तान सऊदी के साथ, वी के साथ कैसे रिश्ते थे, अभी उनकी क्या स्थिति है। और वर खास तौर से आप लोगों को बता दूं, वहां पाकिस्तानी लोगों के लिए, वर्करों के लिए, कि अब उनकी क्या स्थिति होने वाली है आगे आने वाले टाइम पे, अगर इमरान खान सरकार ने इसमें समझौता नहीं किया, अगर वो अपनी जिद पे अड़ी रही तो नुकसान किसको होने वाला है। मैन भारत की क्या भूमिका है, इंपोर्टेंट टॉपिक ये रहेगा कि इन अरब देशों से दूर होने में पाकिस्तान की वगैरह पूरे तामझाम में इंडिया का कितना रोल है, इस पे भी हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज गल्फ कंट्री से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पाकिस्तान भी कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जैसे सऊदी के साथ पाकिस्तान के रिलेशन थे, उसी के अनुसार यूएई से भी बहुत अच्छा रिलेशन पाकिस्तान के साथ हुआ करता था। हर बार आप देख सकते हैं पीछे का इतिहास, सऊदी सरकार यूएई सरकार पाकिस्तान को हेल्प करती रहती थी मदद के तौर पे, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी हो, पैसों का वगैरह वगैरह हेल्प करती थी। लेकिन अभी की क्या स्थिति है कि यूएई को पाकिस्तानी लोगों पे वीजा पे रोक लगानी पड़ गई। हालांकि विदेश मंत्रालय पाकिस्तान का जो चौधरी साहब है वो बोलते हैं विदेश मंत्रालय में कि भाई ये कोरोना की जो दूसरी लहर है, इस वजह से यूएई ने वीजा बंद कर दिए पाकिस्तान के अस्थाई, 2 महीने से वीजा बंद पड़े हैं पाकिस्तान के, आप सब लोगों को पता ही है। जबकि यूएई ने 13-12 कंट्री के वीजा बंद किए है ना, आप देखना उनमें कहीं ना कहीं उग्रवाद की समस्या है, सीरिया फीरिया लीबिया वगैरह, तुर्की का भी उसमें बैन करके रखा है, कहीं ना कहीं उग्रवाद के से रिलेटेड है, उन्हीं देशों को यूएई ने बैन किया है। इसका मोटा रीजन जहां तक हमें लगता है कि ये तकलीकी जो कब आई, जब यूएई का इजराइल के साथ समझौता हो गया था, आपको सबको पता ही है शांति समझौता हुआ था 2 महीने पहले की ये न्यूज है, उसमें पाकिस्तान ने विरोध किया था कि भाई शांति समझौता नहीं होना चाहिए, उससे पहले सऊदी के साथ हुआ फिर यूएई के साथ शांति समझौता होगा। पाकिस्तान का तर्क यह था, पाकिस्तान सरकार का, कि भाई इसराइल जब तक फिलिस्तानी लोगों का अस्थाई समाधान नहीं कर देते तब तक हम इसराइल को मान्यता नहीं देंगे। अरे भाई, आपकी मान्यता देने से क्या होता है, इसराइल देश है तो है, जब बड़ी बड़ी अमेरिका बड़े बड़े देश उसको मान्यता नहीं दे चुके हो तो आप कौन से खेत की मूली हो, आपको तो मान्यता नहीं दोगे तो भी कोई फर्क उस देश को तो पड़ेगा नहीं। इस वजह से भी एक रीजन निकल के सामने आया। दूसरा रीजन साथियों बताता हूं, 2017 में अफगानिस्तान कंधार में एक बम विस्फोट हुआ था, उसमें दुबई के यूएई के 5 बड़े अधिकारी थे वो मारे गए थे। उस जांच में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान की आईएसआई का उसमें अल्फा जो उग्रवादी संगठन और आईएसआई का उसमें हाथ था, उसके बाद से भी यूएई पाकिस्तान से नाराज चल रहा था। इससे पहले साथियों यमन में लड़ाई हुई थी, आप सबको पता ही है यमन में तो होती रहती है, यूएई सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से बोला था, आग्रह किया था कि भाई अपनी सेना वहां पे शांति समझौते के लिए भेजी जाए, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने यूएई की सरकार का फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तब से भी ये एक रीजन चलता जा रहा है। सेकंड बात बता दूं, आपको पता है इमरान खान सऊदी अरब के खिलाफ कब गया था, जब बता दूं इंडिया में कश्मीर जो 370 की घाटी हटाई गई थी, उस टाइम पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाह रहा था, सऊदी से उन्होंने बोला भी था
कि इंटरनेशनल विदेश मंत्री हैं उनको बड़े स्तर पे कॉन्फ्रेंस करके इस मैटर को इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाए कि भाई इंडियन सरकार ने गलत किया है 300 धारा 370 हटा के। सऊदी सरकार ने बता दूं सऊदी सरकार ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, आप सबको पता ही, उन्होंने समर्थन नहीं किया। उनके बाद में वहां के विदेश मंत्री इमरान खान वगैरह इन्होंने सऊदी के खिलाफ भी बोला था, आप सबको पता ही होगा, धमकी भी दी थी कि हम ये कर देंगे, हम अलग हो जाएंगे वगैरह वगैरह। उनके बाद में धीरे धीरे उनका ध्यान किसकी तरफ चला गया, तुर्की की तरफ। जी हाँ, जो तुर्की की तरफ अगर वो आकर्षित हो गए तो सऊदी की तुर्की की यूं रहती है, यूए की तुर्की की यूं रहती है, तो ये भी एक बड़ा बड़ा मुद्दा बन गया था। आगे अगर बात करें, इसराइल के साथ भी एक समझौता हो चुका था, पहले उससे पहले सऊदी के साथ हो चुका था, तो ये भी एक शांति समझौता होने की वजह से पाकिस्तान में यूए के बीच में खटास हो गई थी, ये भी एक रीजन बड़ा बन गया था। दूसरी बात करें कि भाई पाकिस्तान ने अनबन क्यों कर ली वीए के साथ में, तो उन्होंने वीए को भी दबाव में लिया था कि भाई कश्मीर 370 पे आप बोलिए, वीए को बोला था साफ साफ, वीए ने साफ मना कर दिया बोलने के लिए, क्योंकि वीए को तो पता है कि भाई जो है वो हो गया, उनके साथ में पाकिस्तान के साथ बयान देके इंडिया से उलझना नहीं चाहता था वीए, तो ये भी एक रीजन हो गया, इस वजह से दोनों के बीच में टकराव हो गया। सेकंड बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन मैं बता दूं, पाकिस्तान का चाइना के साथ एकदम बढ़िया घनिष्ठ मित्रता होना। सऊदी सरकार ने बोला हमारा कर्जा लौटाओ, तो चीन के पास गया इमरान खान ने, कर्जा एक कर्जा दिया, फिर दोबारा मांगा तो दोबारा लेके दिया, इस तरह से। मतलब चाइना दोस्त कौन है, पाकिस्तान का दोस्त चाइना, और चाइना आपको पता है चाइना एक बहुत बड़ी, मतलब इतनी खतरनाक उनकी सोच होती है कि इनको सबको अलग अलग करके रखें। चाइना ये चाहता है कि भाई आपको पता है इस्लामिक कंट्रीज हैं, सबसे बड़ा सऊदी अरबिया को माना जाता है इस्लामिक कंट्री में, या फिर ये जो ये देश है गल्फ खाड़ी कंट्री है, चाइना ये चाहता है कि इनकी जगह और कोई देश को हम तैयार करें जो हमारे हुक्म से हमारे इशारे पे चले। जी हाँ, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, और तुर्की खुद अपने आप को, आपको पता, मसीहा बनना चाहता है इस्लामिक कंट्रियों का, तो इस वजह से वो अलग अपनी तो दौड़ धूप कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ उनकी हो गई, उधर तुर्की के साथ हो गई, उधर सऊदी के साथ हो गई, तो ये तो एक बड़ा मुद्दा बनना ही था। फिर हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बता दूं, हाल ही में इंडिया के प्रोफेसर नेहरू कॉलेज, आपको पता है प्रोफेसर पासा दुबई से लौटे हैं, उन्होंने एक बात बताई थी कि भाई यूएई में पाकिस्तानी लोगों की स्थिति सही नहीं है। इसका रीजन क्या है, एक तो इंडिया की पाकिस्तान की स्थिति वैसे भी खराब है, आर्थिक तौर से खराब हो चुकी है, यूएई के साथ रिश्ते उनके बिगड़ चुके हैं, तालमेल सही नहीं बैठ रहा है कुछ, और दूसरी रीजन क्या है पता है, कि जो पाकिस्तानी लोग यूएई में बैठे हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तानी लोगों का समर्थन करते हैं, क्योंकि फिलिस्तानी यूएई में भी खूब है, तो इनके साथ में उनके कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अबू धाबी के अल सवेहान एक जगह है, वहां पे जेल में 5 से 6 हजार लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया है। जी हाँ, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों के मुकदमे में भी जेल में उनको डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है पाकिस्तान के साथ में। इसका रीजन ये कि ये लोग फिलिस्तान का समर्थन करते हैं, और फिलिस्तान का आपको पता है भाई यूएई वगैरह, या फिर ये बड़े स्तर पे आना नहीं चाहते, और ये बोलते हैं कि वीए को वीए पे दबाव लगाते हैं, वीए सरकार उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालती जा रही है वीए सरकार। ये बहुत सारे कारण हैं वीए की, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, यानी विजिट वीजा भी बंद कर रखे हैं, वर्क परमिट तो चलो बंद ही है सबके, विजिट वीजा बंद होना, आर्थिक सहायता पाकिस्तान को नहीं देना, रिश्ते खराब होना, वीए के साथ हो गए, सऊदी के साथ हो गए, कुवैत ने पहले ही पाकिस्तान को बैन करके रखा है, अरे भाई क्या करोगे, कहां जाओगे। अब आप नीचे कमेंट में गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला, जो बातें हैं वो सच्चाई है। बस वे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना था, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।